फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंजाबी तड़का। आज मैं आपको फ्राइड चिकन की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए चाहिए, देखो हमने पहले सबसे पहले 1 केजी लिया है हमने चिकन, नमक लेना है और लाल मिर्च, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया और अमचूर। इसके साथ हम एक ले लेंगे अदरक इतना सा और 2 हरी मिर्ची और हमें लहसुन ले लेनी है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को हम कूट लेंगे मिक्सी में। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमने मिक्सी में पीस लिया है। अब हम थोड़े बड़ी प्लेट में चिकन को ऐसे डाल देंगे। सारे मसाला लगाने के लिए हमें थोड़ी बड़ी प्लेट चाहिए। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। लाल मिर्च, गरम मसाला और पीसा धनिया। अमचूर पाउडर और ये पिसी हुई हरी मिर्च, धनिया और इसकी पेस्ट लगाकर अच्छी तरह इसको हम मल लेंगे। इस तरह अच्छी तरह सभी मसालों को मैरिनेट करने के बाद हमें 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। फ्रेंड्स, अब आप एक चीज का ध्यान रखें कि मसाला लगाने के बाद आप जस्ट इसको फ्राई नहीं करें, क्योंकि ये जो इसमें मसाला है, जो लहसुन अदरक और जो मसाले हैं सारे, वो ऑयल में चिपक जाएंगे। इसलिए 2 घंटे के लिए आप उसमें रख दीजिए फ्रिज में और 2 घंटे के बाद निकाल कर इसको ऑयल में मैं आपको फ्राई करना बताऊंगी कैसे फ्राई करते हैं। फ्रिज में से चिकन निकाल लिया है 2 घंटे बाद, ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। अब थोड़ी देर तक इसको गर्म होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें चिकन के पीसेस डालूंगी फ्राई होने के लिए। ज्यादा गर्म तेल में ही चिकन के पीस को फ्राई करें। अगर तेल कम गर्म होगा तो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। अब 5 मिनट के लिए इसको एक थाली से ऐसे ढक दो थोड़ा सा सिकने के लिए। 5 मिनट बाद हम ढक्कन खोलकर हम चिकन के सभी पीसेस को ऐसे से हिला लेंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से ये सिक जाए। गैस के फ्लेम को हमें लो में रखना है, तेज ही रखना है। अब हम दोबारा इसमें ये प्लेट रख के 10 मिनट तक पकाएंगे। बाद आप इसको ढक्कन को खोल के देखो, देखो ये इस तरह से पक गया है। मैंने आपको थोड़ा सा चिकन फ्राई करके बताया है, इस तरह आप सारा चिकन फ्राई कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लें जिससे ये चिकन अच्छी तरह से और करारा हो जाए, तो खाने में बहुत क्रिस्पी लगे। अब वैसे ये पक तो चुका है, लेकिन हम तेज करके गैस को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तभी ये फ्राई चिकन कहलाए। ये देखो हमारा फ्राई चिकन बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम सर्व कर सकते हैं ऐसे इसमें डालकर।
हमने जो लहसुन जो अदरक का पेस्ट डाला था वो देखो कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।